दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। महंत अवैधनाथ के समाधि मंदिर में की पूजा। सीएम ने गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की है। थोड़ी देर में जनता दर्शन में फरियादियों की फरियाद को वो सुनेंगे। सुबह 10:30 बजे टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम है। सिविल लाइन्स स्थित गोकुल अतिथि भवन में टिफिन पर चर्चा होगी। महाजनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम चला रही है। टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए जीत का गुरु मंत्र भी सौंपेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये खास दौरा गोरखपुर का, और इस दौरान वो कार्यकर्ताओं को जीत का गुरु मंत्र सौंपेंगे। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का खास दौरा, और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है, और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अब जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाएंगे। जब भी उनका गोरखपुर का दौरा होता है, कोशिश करते हैं वो कि जनता दर्शन का कार्यक्रम जरूर रहे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ जानकारी? सीएम योगी आदित्यनाथ का खास दौरा है और इस दौरान जनता दर्शन का भी कार्यक्रम है। चलिए हरेंद्र का रुख करेंगे। इस बीच हमारे साथ मनीष मिश्रा भी जुड़ गए हैं। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट? सीएम योगी आदित्यनाथ का खास दौरा है 3 दिवसीय, और देखिए टिफिन पर चर्चा के जरिए लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने का प्रयास हो रहा है, और इसी के साथ कार्यकर्ता मजबूती के साथ प्रोत्साहित करने का भी काम किया जा रहा है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, निश्चित तौर से आपको बता दूं कि टिफिन पे चर्चा आज बेहद खास कार्यक्रम रहेगा। हालांकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर के दौरे पर रहते हैं तो उनकी जिनकी जो शुरुआत होती है वो पूजा अर्चना के साथ होती है। इसके बाद गौशाला जाते हैं, वहाँ पे गायों की सेवा करते हैं, क्योंकि रूटीन दिनचर्या में से एक है। और गोरखनाथ के जब रहते हैं तो वहाँ पर ये दिनचर्या उनको देखने को मिलती है कि किस तरीके से वो गायों की सेवा करते हैं, किस तरीके से वहाँ पर पूजा अर्चना के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे अहम रहता है कि जब भी गोरखपुर में रहेंगे, चाहे वो एक दिन के लिए ही भले हों, चाहे 2 दिन के लिए हो, चाहे 3 दिन के लिए हो, जनता दर्शन जरूर लगाते हैं, जनता की समस्याओं को जरूर सुनते हैं। कि यही उनकी खासियत है कि आम जनता से, गोरखपुर की जनता इसीलिए उनको बहुत मानती भी है कि भले ही वो पहले जब सांसद थे तब रहते हों, चाहे वो महंत के तौर पे थे, चाहे अब मुख्यमंत्री के तौर पे, उनका जो जनता के प्रति जो लगाव है या जनता से जो मिलने का जो सिलसिला है लगातार ऐसे ही रहता है। लगातार उनके जो जनता दर्शन वो लगा करते हैं। उसके बाद आज जो सबसे अहम है वो है टिफिन पे चर्चा। टिफिन की चर्चा को हम देख सकते हैं, जैसे 2014 में आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्ट्रेटजी शुरू की थी तो चाय पे चर्चा करके शुरू की गई थी। उस पर लेकिन काफी सक्सेसफुल रहा था, और देखा था 2014 में कितनी अभूतपूर्व जीत भी मिली थी। उसको लेकर आप टिफिन पे चर्चा कीजिए। सबसे बड़ा इसका मकसद ये है कि आप जब बैठते हैं भोजन पे बैठते हैं, जब लाइट मूड में होते हैं, तो आप अपनी बात कह सकते हैं, दूसरी बात सुन सकते हैं, एक दूसरे से बात शेयर कर सकते हैं। ये एक उसी तरीके का माहौल बनाया जा रहा है जिस तरीके से आपस में जब खाना खाते समय लोग मिलते हैं, अपने अपने घरों से खाना लेके आएंगे, उस पर फिर चर्चा होगी। सबसे अहम बात रहेगा निकाय चुनाव के पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर गए थे, जिस तरीके से जो बागी हुए थे, जिन्होंने टिकट ना मिलने के कारण जो बागी तेवर अपनाया था, उनसे उन्होंने बातचीत की थी, मुलाकात की थी, और काफी हद तक उनको समझाने का काम किया था। उसके बाद मुझे कहा था किस तरीके से गोरखपुर में जो बागी तेवर था वो कहीं ना कहीं शांत होता नजर आया था। इस बार भी है कि जो उन कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, उन कार्यकर्ताओं को ज्यादा फोकस किया जा रहा है जो पहले बहुत सक्रिय रहते थे, अहम भूमिका में रहते थे, पर पिछले कई दिनों से पार्टी लाइन से, ये उसे साइडलाइन कह सकते हैं, अपने आप को साइडलाइन कर लिया है, या उनकी भूमिका उतनी से सक्रिय नहीं है। 2024 का चुनाव है, और देखा गया था 2022 के चुनाव की अगर बात करेंगे तो पूर्वांचल खासा अच्छा नहीं रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। गोरखपुर की बात करें, मऊ की बात करें, गाजीपुर की बात करें, तो ये ऐसे क्षेत्र थे जहां पे भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी जैसे उसको करना चाहिए था। पूर्वांचल में ज्यादा फोकस है, एक बार फिर से कमान संभाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आज टिफिन पे चर्चा होगी, उन कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी कि कौन सी उनकी नाराजगी है, क्या मुद्दे हैं उनके, कि किस तरीके से उनकी बात सुनी गई थी, कौन वो नेता थे जिन्होंने नजरअंदाज किया था, किस लेवल पे बात नहीं हो पाई थी, उनको क्या मांग उनकी क्या राय है, और क्या संगठनात्मक तौर पे क्या चीज कर सकते हैं, और उनकी क्या भूमिका रहेगी, उसको लेके भी चर्चा की जाएगी। तो माना जा रहा है कि आज टिफिन पे चर्चा के बाद तमाम ऐसी चीजें निकल के आएंगी जो आगे समय में भारतीय जनता पार्टी इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है, अपने यहाँ अपना सकती है। ऐसे ही आज शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमने देखा था कि अभी 2 दिन पहले भी जेपी नड्डा को करना था, ये कार्यक्रम शुरू करना था कल, पर जिस तरीके से रेल हादसा होता उसके बाद वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। तो इसकी शुरुआत अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आगे ऐसे समय में जब बड़े शीर्ष नेता दिल्ली से उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे तो ऐसी टिफिन पे चर्चा होगी, और
फोकस उन कार्यकर्ताओं पर रहेगा जो नाराज हैं या फिर जो पार्टी की गतिविधियों से इस समय अपने आप को साइडलाइन कर रखे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जीत का मूल मंत्र जब सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों मिलता है मनीष, तो उसका एक अलग ही अंदाज होता है। और सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं, उसका अलग असर देखने को मिलता है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। निश्चित तौर से देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंदर एक अलग और है, आप समझ सकती हैं ना। उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं करूंगा, मैं जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है वहां पे आप देखेंगे स्टार प्रचारकों में टॉप फाइव में नाम होता है प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा। उसके बाद आप देखेंगे तो सबसे बड़ा नाम होता है योगी आदित्यनाथ का। योगी नाथ के अंदर एक खूबी है, मुख्यमंत्री बता रहे, वो मुख्यमंत्री आप कह लीजिए या फिर बता रहे एक आम महंत कह सकते हैं उनको आप, नागरिक कह सकते, अपने आप को कनेक्ट करते हैं पीपल से, लोगों से जोड़ते हैं, जो उनकी समस्याएं होती है उनको सुनते हैं। तभी आप देखिए जनता दरबार में तमाम बार वो कह चुके हैं कि जनता की बात सुने, अधिकारी सुने, उनको अपनी बात यहाँ तक ना पहुंचानी पड़े, मेरे पास ज्यादा लोग ना आए। उसके बाद भी आप देखिए एक आस होती है, जिससे आपको उम्मीद होती है उसी के पास लोग जाते हैं, उसी के पास अपनी परेशानी लेके जाते हैं। सेम यही चीज आप देखेंगे कार्यकर्ताओं को लेके भी, निकाय चुनाव के पहले भी था कि गोरखपुर में तमाम बागी सेवा अपनाए गए थे, तमाम लोगों ने अपनी बात दे रखी थी कि हम पार्टी ने हमारा अनदेखा किया है, हम उसके बाद पार्टी के अगेंस्ट जाएंगे। तो उसके बाद जब चुनाव होने वाला था, उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पे जाते हैं, उन कार्यकर्ताओं से मिलते हैं जो असंतुष्ट थे, जो नाराज थे, जो बाकी थे अपनाए हुए थे। एक बार फिर से आपको याद होगा भी अभी जब 2022 का उपचुनाव हुए थे, आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव हुआ था, और जब दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाने काम किया था, उसके बाद मुख्यमंत्री मैदान पर उतर कर सीएम योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाल रहे। मनीष जरूर कुछ अहम मूल मंत्र वो सौंपेंगे कार्यकर्ताओं को। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास।